स्थान पर बैठकर बाबा से आज विराम का दिन है, कोई भी खड़े खड़े मत बोलना क्योंकि कंकर शंकर की धारा है, जहां जगह मिल जाए जिस स्थान पर हो। मेरी माताओं से भी निवेदन है, आपके पास में थोड़ी बहुत भी जगह हो तो दूसरे को बिठा दो, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर, खड़े होकर नहीं बोलना। आज विराम का दिवस है, थोड़ी देर में कथा विराम होने वाली है, इसलिए दिल से बाबा से प्रार्थना करो जहां जगह मिले वहां बैठ करो। माताओं से निवेदन है, अपने आसपास में थोड़ा थोड़ा खसक कर जिसके पास जगह नहीं उसको भी बिठा लो, क्या पता आपके कारण किसी की झोली खुशियों से भरा जाए। इसलिए बैठ कर दिल से बाबा से देकर जाते हैं, तो मेरा बाबा भी तुम्हारी भक्ति और भजन में आनंद कराता हुआ देखकर भाव से निवेदन। भगवान
शिव पार्वती जी को जब काशी भ्रमण के लिए लेकर गए हैं, काशी जब भ्रमण के लिए जाने लगे तो भगवान देवदत्त महादेव काशी जब भ्रमण के लिए लेकर गए और बड़े आनंद के साथ में भगवान शिव पार्वती जी को काशी का भ्रमण कराते कराते मां गंगा के घाट पर लेकर जाते। काशी का भ्रमण कराते कराते जब गंगा जी के घाट पर पहुंचे और गंगा जी के घाट पर पहुंचते ही मां गंगा के तट पर पहुंचते ही मां गंगा का माता पार्वती जी ने दर्शन किया। बोल गंगा महारानी पार्वती जी ने जैसे गंगा जी का दर्शन किया और दर्शन करते से भगवान मां गंगा का दर्शन करते हुए माता पार्वती जी ने भगवान शिव से मां गंगा की लहरों को देखते हुए मां गंगा का दर्शन करते हुए मां गंगा के जल का दर्शन करते हुए कुछ प्रश्न मां का कुछ और कुछ प्रश्न मां गंगा के घाट पर मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी ने भगवान देवदत्त महादेव से कहे। जो गंगा के जल को देखा और गंगा के जल को देखकर पार्वती जी ने प्रश्न किया है भगवान शिव से, हे प्रभु स्वामी करुणा सागर करुणा करने वाले हे देवदत्त महादेव हे भगवान शिव, मेरा निवेदन आपसे, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए, मन का संशय समाप्त कर दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? संशय क्या है तुम्हारा? तो पार्वती जी कहती है मेरा पहला संशय कि कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं आए, मान लो कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, मां गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, गंगा जल का स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, गंगा स्नान के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो हे भोलेनाथ हे त्रिकालदर्शी हे कैलाशी हे विनाशी गंगा के जल का स्नान करने नहीं पहुंचा तो वो जीव जो गंगा जल तक नहीं पहुंचा है गंगा के घाट तक नहीं पहुंचा उस जीव का कल्याण कैसे हो? हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आज फिर कर अपने स्मरण में रखिएगा उस बात। आप जब भगवान देवदत्त महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवदत्त महादेव को श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूं, मैं भीमा शंकर में जल चढ़ा रही हूं, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूं। जब हम ये विचार कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूं, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को वो गंगा जल की तरह हो जाएगा और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त होगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल गंगा
माताएं खड़ी हैं, इनको यहाँ बिठा दो आगे, बिठा। केवल माता माता को जो बच्चे को लेके खड़ी है, बाकी के किसी को नहीं, आराम से बिठा। और जो लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं, जब आखिरी में हम बुलाएंगे तब आप लोग आए, अभी नहीं आना है आप लोग, वहीं जहाँ बैठे हो वहीं बैठे।
सर्वेश्वर महादेव की, महाकाल राजा की, ओंकारेश्वर बाबा की, सोमनाथ भगवान की, वैद्यनाथ भगवान की, कृष्णेश्वर महा। अगर केवल उस भूमि का स्मरण भी कर लिया जाए, उस भूमि का मात्र नाम स्मरण भी कर लिया जाए, तो जीव का कल्याण हो जाता। तीसरा प्रश्न एक हो गया गंगा जल से जुड़ा हुआ, दूसरा हो गया भगवान शंकर की भूमि से जुड़ा हुआ, और तीसरा प्रश्न है माता पार्वती जी का। तीसरा प्रश्न हे नाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, आखिरी प्रश्न पूछ रही हूं आपसे। मान लो अगर किसी जीव के पास में शिवालय, देवालय, तीर्थ जाने का भी समय ना मिल पाए, धन का अभाव हो जाता है, मान लो उसके पास में धन नहीं है और वो ना पहुंच पाए। हमने एक बात पहले रुद्राक्ष महोत्सव में कही थी, जिस जिसके स्मरण में होगा उसको याद होगा, कि अगर तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, और तुम ये विचार कर लो कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो और ये मन में भाव उत्पन्न कर लो कि उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी कहते हैं उसको। कौन सा भंडारी? कुबेर भंडारी। मैं उस कुबेर भंडारी से विनती करती हूं कि मेरे पास में इतना धन नहीं, मेरे पास में ऐसी व्यवस्था नहीं कि मैं सीहोर जा सकूं, कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन कर सकूं। आपके नजदीक के शिवालय में, आपके पास के शिव मंदिर में एक लोटा जल आप जब चढ़ाते रहे, याद करते रहे कि मुझे बाबा बुलाएगा, एक रुपया भी ना होना तो भी बाबा ऐसी व्यवस्था कर देता है कि ठाट सेकना एक दिन कुबेर भंडारी बुला। पार्वती जी शिव जी से कह रही है गंगा जी के घाट पर, काशी की पवित्र भूमि पर नंदन वन में बैठ कर माता पार्वती जी कह रही है, मान लो कोई जीव के पास कुछ नहीं हो और वो आपकी शरणागति में आना चाहता है, नहीं है उसके, उसको कौन लाए, उसके पास में कुछ भी ना हो और उसको तेरे धाम कुछ ना हो। एक पत्र है, मेरा नाम सीमा जायसवाल है, मेरे पति का नाम अनिल कुमार जायसवाल है, मैं लखनऊ जिले में जमरोली मोहनलालगंज से हूं, कहीं मीटिंग हो तो हाथी ला सकते। मेरा नाम सीमा जायसवाल, मेरे पति का नाम अनिल कुमार जायसवाल, मैं लखनऊ जिले में जमरोली मोहनलाल नगर से हूं, कहीं मीटिंग हो तो हाथी ला सकते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आप लॉकडाउन से सुन रही हूं, इतना वैभव तो नहीं पर इतना जरूर है कि मेरे बाबा पर मुझे भरोसा हो, और जब से मैंने लॉकडाउन से कथा सुनना चालू करी, उसके पहले की मेरी जो जिंदगी निकली उस पूरी संघर्ष में निकली, दुख में निकली, पर जिस दिन से मैंने टीवी पर कथा सुनना चालू करी है उस दिन से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है गुरुदेव, मेरे बाबा ने मेरे भंडार गुरुदेव। मेरा बेटा योगेश जायसवाल 1 साल नहीं 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है कि कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, पर गुरुदेव इतना हमारे पास में कहां कि कोई सरकारी नौकरी बच्चों की। तब बेटे ने कहा मां 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, नहीं हुआ, आखिरी में एक एग्जाम आर्मी का दूंगा
अगर मेरे भोलेनाथ पक्के और विश्वास मेरा पक्का है और मैंने अगर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी है तो मेरा बाबा मेरी सुनेगा। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा 2023 में रुद्राक्ष उत्सव में यहाँ पर आ गया और 2023 का रुद्राक्ष उत्सव यहाँ पर बैठकर उसने सेवा करी, भोजनशाला में पानी पिलाने में सेवा करता रहा और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वो सेवा का फल मेरे बाबा ने दिया और इंडियन आर्मी में मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। उस बेटे का फोटो भी उन्होंने लगाया, इंडियन आर्मी में मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए, कहीं बैठी हूँ तो बेलपत्र लेने आ सकते। एक बेटी ने तो गजब का पत्र लिखा, गुरु जी मैं नैसी दत्त पुत्री श्रीमान राजकुमार दत्त, मेरा नाम नैसी दत्त है, मैं पुत्री श्रीमान राजकुमार जी दत्त की बेटी हूँ। मेरी माँ श्रीमती कृष्णा देवी निवासी महू इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते थक गई, तब आपके वचन याद आए कि हिम्मत नहीं हारना, लगन से चौगुनी मेहनत करना है। तब मेरी बेटी ने फिर हिम्मत करी और अब की बार मेरी बेटी ने कहा, मां एक कंपटीशन एग्जाम की परीक्षा नहीं दूंगी, मैं 5 परीक्षा एक साथ दूंगी। कम से कम मेरा बाबा अगर 1 में नहीं करेगा, 2 में नहीं करेगा, 3 में नहीं करेगा, 4 में नहीं करेगा, तो 5 में तो करेगा। मेरी बेटी सालों से तैयारी कर रही पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, 5 सरकारी नौकरी की परीक्षा एक साथ में दे दी कि कुछ में तो होगा। और मेरी बेटी विश्वास कर कुबेरेश्वर धाम आ गई, बाबा को प्रणाम करा, जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी, पशुपति व्रत करा और मेरी बेटी ने एग्जाम दिया। आज मेरी बेटी एक एग्जाम में नहीं, सरकारी 5 एग्जाम में पास हो गई, 5 की 5 में पास। फिर मेरी बेटी ने एग्जाम में से पास होने के बाद सरकार की एक नौकरी चुनी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी मेरी बेटी ने चुन ली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए। अगर कहीं बेटी हो, नेत्सी दत्त पुत्री श्रीमान राजकुमार जी दत्त, कृष्णा जी दत्त, इंदौर महू के निवासी है, कहीं बेटी हो तो आप बिलपत्र लेने आ सकते।
के पास में वैभव नहीं है, किसी के पास में धन नहीं है, किसी के पास में संपदा नहीं है, और कोई शिवालय तक जाना चाहता है, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? भैया भाभी ने नरसिंह मेहता जी को धक्के मारकर निकाला।
नरसिंह भगत जी डक्का देकर निकालता। जैसे ही नरसिंह जी की दादी जी चली जाती हैं, नरसिंह जी की दादी जी समाप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तब नरसिंह जी के पास में कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं। भैया भाभी ने धक्का देकर निकाल दिया। रोते हुए नरसिंह जी,